हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जीरोधा पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें। तो हम नेक्स्ट लेवल जो बॉट है उसकी हेल्प से जीरोधा पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग करेंगे और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी वो हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन होगी कि ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन पे कैसे काम करा जाता है। तो बिल्कुल डेप्थ में तो नहीं जानेंगे पर हाँ डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजिली हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं जीरोधा पे। तो अगर आप नए हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं nextlevelbot.com। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट लेवल बॉट किस तरीके से काम करता है। आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर बाकी सारी डिटेल दे रखी है। और अब हम चलते हैं अपने काइट अकाउंट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे चलते हैं। हमने यहाँ पीसी ज्वेलर्स का चार्ट खोल रखा है और जो भी कमांड लगाएंगे, क्योंकि हम एक डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं कि ऑर्डर कैसे लगते हैं ये जानना है हमें। अभी हम प्रॉफिट के ऊपर बात नहीं कर रहे, पहले मैं बेसिक लेवल क्लियर कर रहा हूँ लोगों का कि ऑर्डर कैसे लगते हैं। तो सपोज मानो आप हॉरिजेंटल लाइन पे काम कर रहे हो, तो हमने ट्रेडिंग व्यू से हॉरिजेंटल लाइन ली, ये आप देख सकते हो हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ ड्रॉ करा। अब इसे हम कमांड देना चाहते हैं और कमांड ये देना चाहते हैं कि जैसे इस पे कैंडल टच हो तो बाय हो जाए, करंट मार्केट में वो चीज बाय हो जाए। पर मैं बाय करूंगा तो मेरी फीस वगैरह कटेगी, तो मैं ऐसी कमांड दे देता हूं कि जैसे इस लाइन पे टच हो तो मेरी बिड उससे थोड़ा सा और नीचे लग जाए। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, जो नेक्स्ट लेवल बॉट है आपको इस पे क्लिक करना है और हेल्प पे क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर वो सेंटेक्स मिल जाएंगे जो कोड आपको यूज करने हैं। तो सपोज मानो मैं एमएसआई ऑर्डर लगाना चाहता हूं इसके ऊपर, तो एमएसआई ऑर्डर का मेरे को बाय कोड मिल गया और बाय कोड कुछ इस तरीके से। तो मुझे लगाना है लिमिट, जो मेरे को जो यूज करना है ये करंट मार्केट का ऑर्डर है। अगर मैं इस कोड को लगाऊंगा तो जैसे ही उस लाइन पे टच होगी कैंडल तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगी वो चीज। तो मुझे डायरेक्ट बाय नहीं करना, मुझे ऐसा चाहिए कि थोड़ी सी मेरी बिड नीचे लगे। तो ये लिमिट ऑर्डर का कोड लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिमिट ऑर्डर। तो यहाँ दो कोड लिखे हुए, एक परसेंटेज में लिखा है और एक नंबर में लिखा है। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे को बाय का परसेंटेज का कोड कॉपी कर लेता हूं। मैंने इस कोड को कॉपी करा, इसके अंदर जो सिंबल दे रखा है, शेयर का नाम दे रखा है, वो एसीसी दे रखा है। तो मेरे को यहाँ पीसी ज्वेलर्स करना होगा, तो अभी हम बाद में पीसी ज्वेलर्स करेंगे, अभी हम कमांड देते हैं। तो कमांड देने के लिए क्या करना है, इस हॉरिजेंटल लाइन पे राइट क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा एड अलर्ट ऑन हॉरिजेंटल लाइन, हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब जब हम हॉरिजेंटल लाइन पे कमांड देते हैं तो हमें यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना। आप चाहो तो क्रॉसिंग अप क्रॉसिंग डाउन कर सकते हो, बट मैं क्रॉसिंग रखना चाहता हूं, हमें अभी कुछ भी चेंज नहीं करना। और यहां पर आपको एक ऑप्शन में चार ऑप्शन मिलते हैं, ओनली वंस, वंस पर बार, और वंस पर बार, और ये वंस पर बार क्लोज, और वंस पर मिनट। तो जो हॉरिजेंटल लाइन पे जैसे ही कैंडल टच हो तो मैं चाहता हूं कि एक ही बार कमांड आए और उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए बोर्ड। तो मैं ओनली वंस कर देता हूं। अगर वंस पर बार करूंगा तो जितनी बार टकराएगी उतनी बार ऑर्डर लगेंगे, जो कि हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन के लिए बेस्ट नहीं रहता। तो मैं हॉरिजेंटल लाइन ये करता हूं। उसके बाद यहां पर एक कुछ सेंटेक्स टेक्स्ट लिखे हुए, उन्हें मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे वो कोड डालना है जो मैं यहां से कॉपी करके लाया था, ये तो वो कोड मैं इसके अंदर पेस्ट करने जा रहा हूं और पेस्ट मैंने यहां पर कर दिया। अब इस यहां पर मेरे को क्या करना है, यहां एसीसी लिखा है या पहले पीसी ज्वेलर्स लिख देता हूं। तो कैपिटल में मैं पीसी ज्वेलर्स लिखूंगा, पीसी ज्वेलर्स, मैं स्पेलिंग ऊपर से देख के भी लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पीसी ज्वेलर्स लिख दिया। उसके बाद मैं चाहता हूं जैसे इस लाइन पे टच हो तो मेरी बिड 1% नीचे लग जाए, जो मार्केट में प्राइस हो उससे 1% नीचे लग जाए, और मैंने इस कोड को क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्रिएट करा तो यहां पर देखोगे अभी तीन ही कमांड थी, एक कमांड आ गई जो हमने डाली ग्रीन कलर में, तो ये कमांड ऑन हो गई। और आप हॉरिजेंटल लाइन पे देख लो एक वॉच का आइकन आ गया, इट्स मीन कि मेरा ये अलर्ट्स ऑन है। तो अब हम जाते हैं अपने काइट पे जीरोधा पे, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं लगा। अब हम इसे जानबूझ के टच करवाएंगे कि हाँ ये टच हो और हमें ऑर्डर दिखे। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल को इसके कैंडल के पास रख देते हैं। मैंने एकदम पास रख दिया और जैसे ही कमांड आएगी, ये कमांड आ गई, जैसे ही टच हुआ एक कमांड आई। अब हम ऑर्डर जाके देखते हैं, तो यहां पर हमारा देखो 1% नीचे। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इसका, इसका प्राइस चल रहा है 33 रुपए 25 पैसे और इन्हें 32 रुपए 90 पैसे पे बिड लगा दी। तो इस तरीके से मेरा एक ऑर्डर लग गया है। और फिर हम जाएंगे तो देखोगे तो यहाँ ऑरेंज कलर का आइकन हो गया, इट्स मीन कि ये एक बार वर्क करने के बाद बंद हो गई है। तो हमें इसे बॉट को दोबारा चालू करना है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये परसेंटेज दे रखा है, मैं चाहता हूं कि 1 रुपए नीचे लगे, ये नहीं 2 रुपए कर देता हूं, 2 रुपए नीचे लगे। तो हमने परसेंटेज के जो सेंटेक्स था उसे डिलीट कर दिया
और इसे मैं ओके कर देता हूं। ओके करते ही ये ग्रीन होगी। अब जैसे इस पे टच होगी दोबारा से कैंडल, मैं जानबूझ के टच करवाने जा रहा हूं, ऑटोमेटिक मतलब मैं ऐसे रख देता हूं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम आती है स्ट्रेटजी। थोड़ा सा आप अपने माइंड से भी सोचने ये स्ट्रेटजी कहां पर काम आएगी। आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हो तो चार्ट पे पैटर्न बना दोगे, और जैसे ही आपकी कैंडल उस पर टच होती है सपोर्ट पे तो आपके बाय हो जाएंगे, रेजिस्टेंस पे टच होगी तो आपके सेल हो जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट लगाओगे तो टारगेट हिट हो जाएगा। तो अभी तो मैं कमांड लगा बता रहा हूं ओनली। तो जैसे ही मैंने ये कमांड लगाई और ये देखिए अभी टच नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि मैं आपको जल्दी बता सकूं। चाहूं तो मैं इसके पास रख के जल्दी टच करवा सकता हूं, पर मैं सोच रहा हूं ये अपने आप टच हो जाए, तो मैं थोड़ा सा ऊपर, अभी मैं जो कमांड लगा रहा हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाई है। जो चार्ट है आप चार्ट का टाइम फ्रेम देखोगे 1 मिनट, देखो दोबारा कमांड आ गई। अब हम अपने जरूरदा अकाउंट पर जाएंगे तो ये देखिए अब जो ऑर्डर आया है उसके अंदर 2 रुपए नीचे लगा है। अभी करंट प्राइस चल रहा है 33 रुपए 25 पैसे और इनने 31 रुपए 20 पैसे पे लगाया, इट्स मीन की 2 रुपए नीचे इनने ऑर्डर लगा दिया बाय ऑर्डर। तो इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन की कमांड वर्क करती है। और देखो बॉट बंद हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया तो इट्स मीन बॉट क्लोज हो गया, रेड कलर का हो गया तो बॉट क्लोज हो गया। अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम जैसे ही साइकन पे जाते हैं रीस्टार्ट लिखा आता है, हमारा बॉट स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम जहां लाइन को ले जाएंगे वहां पर वो काम करेगी। तो ये लाइनें कहां काम आती है मैं आपको बता दूं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम आती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मानो आपने 1 मिनट के चार्ट में ये बनाया कि ये भाई मार्केट इधर आए तो आपके बाय हो जाए और मार्केट इधर जाए तो आपका सेल हो जाए। तो आप इस तरीके से इधर बाय करना चाहते हो और इधर सेल करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक बॉट आपका इधर बाय कर लेगा, इधर सेल कर देगा। आप चाहते हो कि आपका एक स्टॉप लॉस भी लग जाए कि मार्केट ज्यादा नीचे जाए तो आपका सेल हो जाए, तो आप एक लाइन इधर डालोगे, इसे स्टॉप लॉस बना दोगे, स्टॉप लॉस के अंदर जो कोड डलेगा वो सेल का कोड डलेगा। और टारगेट प्रॉफिट लेना चाहते हो तो एक लाइन को टारगेट प्रॉफिट बना दोगे, इसको आप अपना टारगेट प्रॉफिट भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये एक मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने के लिए कोड बनाया है। तो कोड स्ट्रेटजी बताइए कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप कैसे काम करें। अभी हमने बाय ऑर्डर लगाया था, आप चाहो तो सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो और सेल ऑर्डर भी लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूं और मैं ये यहां पर इस पे क्या चार्ट पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिमूव ऑल ड्राइंग टूल करना है, तो सारी चीजें रिमूव हो जाएगी, जो हमारा अलर्ट था वो भी रिमूव हो गया। अब हम दोबारा यहां जाएंगे और यहां से हम सेल कोड लेंगे, तो सेल कोड ये रहा लिमिट ऑर्डर में, मैं उठा लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और हम चाहते हैं हमारा सेल ऑर्डर लगे, तो पहले इसे कमांड में बना देते हैं। तो कमांड के लिए हमने बस कुछ भी नहीं करना, राइट क्लिक करना है, फिर से दिखा दे तो लाइन पे हमें राइट क्लिक करना है। मैंने राइट क्लिक करा तो एड अलर्ट आ जाएगा, एड अलर्ट पे क्लिक करना है। अब इधर हमें सेल का कोड डालना है, पहले हमने बाय का कोड डाला था, अब हम सेल का डाल रहे हैं। तो सेल के लिए मैं कंट्रोल वी करता हूँ, एक मिनट इस पहले से डिलीट मार देता हूं और मैं ये कंट्रोल वी भी नहीं, मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूं, कोड पेस्ट कर दिया। अब यहां पर लिखा है एसीसी, तो एसीसी के बदले हम फिर से पीसी ज्वेलर्स डाल लेते हैं क्योंकि वो एग्जांपल दे रखा है, पीसी ज्वेलर, ये हमने पीसी ज्वेलर्स डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई जो मार्केट में सेल ऑर्डर लगे हमारी लाइन पे टच होने के साथ 2% ऊपर लगे, तो यहां मैंने +2% कर दिया। ये कस्टमाइज करना होता है और मैंने क्रिएट कर दिए। अब जैसे क्रिएट करूंगा तो यहां ग्रीन कलर का एक कमांड आ गई और यहां पर वॉच का आइकन बन गया, इट्स मीन कि मेरा बॉट एक्टिवेट हो गया है, मतलब मेरी कमांड एक्टिवेट हो गया। मैं इसे टच करवाने जा रहा हूं और यहां देखिए अभी तक बाय के ऑर्डर लगे हुए थे, अभी एक सेल का ऑर्डर लगा रहा हूं। अगर मैं इसके अंदर मार्केट रेट पे बाय मतलब मार्केट वाला कोड डाल दूंगा, एक बार दिखा देता हूं, तो करंट बाय हो जाएगा। ये वाला कोड डाल दूंगा तो करंट में बाय हो जाएगी, पर मैं ये नहीं डाल रहा क्योंकि बेमतलब में ऑर्डर लग जाएगा। और मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं, तो मैं यहां पर इस कैंडल को लेके आता हूं और टच करवाता हूं कि जैसे मार्केट में ये कैंडल टच हो इस लाइन से तो आ जाए। तो देखो एक नई कैंडल आई है, आपको दिख सकता है, और जैसे टच होगी यहाँ एक अलर्ट्स आएगा, नो अलर्ट्स है अभी, कोई भी अलर्ट्स नहीं है, तो यहाँ अलर्ट्स आएगा और वहां पर हमारे एक सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो ये नीचे को आ गया, ऊपर को टच नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये एक मैं कमेंट्री सी कर रहा हूँ, वो कमेंट्री सी इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि मैं एकदम टच नहीं करवा पाया, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, देखते हैं टच हो जाए। और ये 1 मिनट के टाइम, हाँ ये हो गया टच, ऊपर की साइड जब बनी कैंडल तो टच हो गया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगी। अब ये ऑर्डर देखिए, सेल ऑर्डर भी आ गया। तो इसी तरीके से 2% ऊपर हमारा सेल ऑर्डर लग गया। ठीक है जी, अब चाहे तो हम इन्हें क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोड है क्लोज का, ऑटोमेटिक सारे ऑर्डर क्लोज हो जाएंगे, हमें बस ये कोड लेना है। और ये क्लोज ऑर्डर के लिए ये बाय डिफॉल्ट कोड है,
कि हम सारों को क्लोज करना चाहते हैं, तो हम मतलब ये ऑर्डर लगाएंगे तो सारे ऑर्डर क्लोज भी हो जाएंगे, बट मैं अभी ये लगा के नहीं दिखा रहा आपको, एक बता रहा था। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, मतलब कैंसिल आप वैसे कोडिंग से भी कर सकते थे। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करा जाता है, और मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पे कैसे काम करा जाता है। अब मैं ट्रेंड लाइन पे काम करना अगली वीडियो में बताऊंगा, इससे क्या होगा पार्ट वन पार्ट टू बनते जाएंगे और आपको आता जाएगा। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो नेक्स्ट लेवल बोर्ड के बारे में तो आप इस साइट पे जा सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो, और इसका मंथली प्राइस 499 है, यहाँ लिखा हुआ भी है, और आप अपनी एपीआई के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आप ट्रेडिंग व्यू पे करोगे वो चीजें वहां पर होगी। और ये हॉरिजॉन्टल का जो यूज करा जाता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए करा जाता है। जितने भी प्रो ट्रेडर है वो दो चीजों पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के काम करते हैं वो इस कमांड को लगा के अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सपोज मानो आप सुबह सुबह चार चार्टों पे एनालाइज कर लेते हो, जैसे ही मार्केट ओपन होती है आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रखे हैं, तो जैसे ही वो आपके सपोर्ट पे जाती है ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे, रेजिस्टेंस पे जाती है ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। आप चाहते हो कुछ और करना कि आपका स्क्वेयर ऑफ हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक इस टूल की मदद से अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में तो ओनली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया, सोचा तो था मैं ट्रेंड के भी बारे में बताऊंगा पर वीडियो हो जाएगी काफी लंबी, तो मैं ट्रेंड के बारे में नहीं बता रहा, हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं और अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपसे फोन पे भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।